अगर आपको भाई HyperOS कुछ खास नहीं जमी ना अपने Mi 11 X एंड Poco F3 के अंदर, तो आप इस MIUI 14 का मॉडेड वर्जन ट्राई कर सकते हो, जो कि Android 13 बेस्ड है, क्वाइट स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा इसमें मॉड्स आपको मिल जाते हैं। बट इस रिव्यू को ज़रूर से चेक करना, पूरे एंड तक देखना, क्योंकि इसमें कुछ फ्लॉज आपको मिलते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो है इसके अंदर मॉनिटर थीमिंग बाई डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाती है, और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके से है। आप बोल सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है HyperOS से। इवन यहाँ पे जो नेटवर्क के नेम्स है ना, कैरियर नेम, वो भी आपको जो है मॉनिटर थीमिंग में मिल जाएंगे। और छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, जो इसका यहाँ पर कैमरा ऐप है, इसमें जो यहाँ पे टाइटल्स है ना इन चीज़ों के अंदर, वो भी आपको जो है मॉनिटर थीमिंग में मिल जाएगा। इवन इसके साथ यहाँ पे जो पिल है वो भी मॉनिटर थीमिंग के अंदर आपको जो है देखने को मिलती है। बैकग्राउंड में जो क्लॉक है ना, इसके अराउंड आपको कुछ ऐसी पिल मिलेगी। जो स्टेटस बार के आइकॉन्स है वो आपको पेलोवा थीम से अपडेटेड मिल जाएंगे, जो कि मोस्टली हो रहता है कस्टम रोम्स के अंदर भी। यहाँ पे अगर आप माई डिवाइस के अंदर जाओगे तो MIUI 14 का लोगो रहेगा, और मी EU नेम से आपको ये रोम मिलती है। इसका फर्स्ट अपडेट है ये वर्जन 1.0 14.0.8.0 के ऊपर बेस्ड आपको रोम मिलती है। ये EU बेस्ड है, और यहाँ पे आप देखोगे एंड्रॉयड 13 है। उसके बाद अक्टूबर 2023 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच आपको मिलेगा, और इसका जो मॉडल है ना, वो डिवाइस मॉडल वो चेंज्ड है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी वजह से आपको 90 FPS BGMI वगैरह में मिल जाएगा, और पर्फ कर्नल आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। बट हाँ, इस पर्फ कर्नल के साथ आपको कोई भी यहाँ पे ना कर्नल SU का सपोर्ट नहीं मिलता। आपको रोम की ऑप्टिमाइजेशन चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मॉनिटर थीमिंग है वो आपको सभी एप्स में मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पे अगर आप जो है ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड देखोगे, काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको देखने को मिलती है, एंड लिटरली ये काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि MIUI 14 के जो आपका HyperOS है ना, उसमें ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस बेटर हुए हैं, बट उसके साथ भाई यहाँ पे अगर आप कोई पोर्टेड वर्जन यूज कर रहे हो ना, तो उसके अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ मिलता है यहाँ पे रैम मैनेजमेंट का। एंड ये चीज आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, कितने स्मूथली एप्स ओपन हो रहे हैं। इवन जो कैमरा है भाई, वो भी देख लो, यहाँ पे बिल्कुल लैग आपको नहीं मिलेगा। और जो लॉन्चर है वो आपको काशी का मॉडेड मिल जाता है, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कुछ इस तरीके से iOS के रिसेंट्स इसमें रहेंगे। और एक और चीज यहाँ पे मॉडेड है, वो है इसका स्क्रीन रिकॉर्डर। इसमें आप फ्रेम रेट देखोगे ना, 164 FPS तक अनलॉक्ड है। मॉडेड चीज है भाई, कुछ भी यहाँ पे अनलॉक हो सकता है। हमें काफी सारे फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज चेक करवा देता हूँ। इसमें जो आपको इमोजी का पैक मिलता है, वो आई थिंक iOS के इंस्पायर्ड है। कुछ इस तरीके से इमोजीज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चीज आप नोटिस करोगे जब टाइपिंग वगैरह यूज करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। वैसे कोई नए वॉलपेपर्स वगैरह नहीं मिलते, सब कुछ सेम है। AOD वगैरह सब कुछ सेम आपको मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप देख सकते हो चीजें सेम रहेंगी। डिस्प्ले के अंदर एक्स्ट्रा डिम आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आप यहाँ पर जो है इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हो ब्राइटनेस को। उसके बाद कलर स्कीम्स रहेगा, एंड जो रिफ्रेश रेट है वो 90 Hz का भी है। अब रिफ्रेश रेट भाई सम टाइम्स ना अपने अकॉर्डिंगली जो है 60 Hz के ऊपर आ जाता है, और यह इशू भाई पहले भी एग्जिस्ट करता था MIUI के बाकी रोम्स के अंदर, MIUI 14 के, और अभी भी यहाँ पे है। बट हाँ, आप यहाँ पे वापस आके ना 90 से 120 करोगे तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। एंड मोस्टली जब फोन ज़्यादा थोड़ा आप हैवी टास्क करते हो, तब उस कंडीशन में थोड़ा 60 Hz पे ज़्यादा आता है। बाकी AI इमेज इंजन आपको मिल जाएगा, एंड अगर आप साउंड एंड वाइब्रेशन में जाओगे तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स में डॉल्बी एंड जो कार हार्मन कार्डन ऑडियो वो मिल जाएगा। यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन रहेगा, और ये सारे ऑप्शंस है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री का भी ऑप्शन आपको मिलता है, लॉग्स का भी ऑप्शन है, नोटिफिकेशन शेड वगैरह चेंज कर सकते हो, कंट्रोल सेंटर के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और ये आपको काशी का मॉडेड लॉन्चर मिलता है। ये हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर रखा है भाई, इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ भी मैंने डाली हैं। तो यहाँ पर आपको iOS के रिगार्डिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, रिसेंट्स मेन्यू को आप iOS में टोटली कन्वर्ट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस आपको मिल जाती है। और बैटरी का स्टैट MIUI 14 जैसा आपको मिलेगा, HyperOS में ये काफ़ी ज़्यादा डेट हो चुका है। एंड अगर आप फ्लोटिंग विंडोज़ में जाओगे तो साइड बार का ऑप्शन रहेगा, और साइड बार में ज़्यादा फीचर्स नहीं रहेंगे। जैसा आपको पता होगा यहाँ पे 3 डॉट्स वगैरह आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा नए ऑप्शंस HyperOS में आ चुके हैं। मेमोरी एक्सटेंशन अगर आप चाहते हो तो इनेबल वगैरह कर सकते हो। नाउ ये चीज़ें जो आपको मैं अभी बताऊँगा ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, और इसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इसको इंस्टॉल करने वाले हो। सबसे पहले डिवाइस सर्टिफाइड है, बैंकिंग ऐप्स आपके वर्क करेंगे, बट एक चीज़ बताऊँगा जो आप ट्राई करना, उसके बाद आपको गूगल पे वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट नॉर्मली अगर आप ट्राई करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले गूगल फोटोज में आपको स्पूफिंग मिल जाती है, ये यहाँ पे जो है CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ है, और यहाँ पे जो है 81% तक आपको इसकी परफॉर्मेंस मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे ना, 2.74 मैक्सिमम जो CPU क्लॉक स्पीड
स्पीड आपको मिलेगी। और मैंने यहाँ पर जो है ना अभी परफॉर्मेंस मोड वगैरह भी इनेबल करके देखा था, तो यहाँ पे ये चीज़ फिक्स नहीं होती। नॉर्मली मैंने इसको गेम टर्बो में नहीं टेस्ट किया बिना गेम टर्बो के है, बट यहाँ पे जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी कम है। ये मी 11X के साथ इशू है, पोको F3 में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये है Geekbench 6 के स्कोर्स, वाइल्ड लाइफ टेस्ट के स्कोर्स आप देख सकते हो, N22 बेंचमार्क के स्कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं इसके स्टॉक करने के साथ। एंड यहाँ पे ना आपको मैं बताता हूँ कि जो गूगल पे वगैरह है, अगर आप लॉग इन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर जो है सेटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप नॉर्मली जाओगे ना आपका जो अकाउंट है वो लॉग इन हो जाएगा, बट जब आप यहाँ पर जो है बैंक को ऐड करने की कोशिश करोगे वहाँ पर आपको एरर आएगी। तो आपको उस ऐप के परमिशंस में जाना है और ये जो सेटिंग्स है ना इनमें आप देख लो, ये आप अलाउ कर देना, वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो। एंड फर्दर अगर आप इनको ओपन करोगे ना, यहाँ पे रिटर्न ब्लैंक मैसेजेस का ऑप्शन है, इसको आप ऑफ कर देना सभी सेटिंग्स में से। जैसे अभी अगर आप देखोगे जिनमें ये अवेलेबल है ना, मैंने सब में से इसको ऑफ कर रखा है। और ये एक सेटिंग आपको जरूर करनी है गेट डिवाइस इन्फो वाली, यहाँ से भी आप देख सकते हो इसको मैंने ऑफ कर रखा है। कुछ इस तरीके से अगर आप यहाँ पे ये सेटिंग्स को इनेबल करते हो ना, कुछ इस तरीके से आपका ये जो है गूगल पे और फोन पे दोनों वर्क करेगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको लॉग इन करने में भाई काफी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर गेमिंग की बात करें तो भाई ये रोम स्पेशली गेमर्स के लिए तो नहीं बनाई गई, बट अगर आप यहाँ पर जो है स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हो, उसके साथ बैटरी बैकअप आपको अच्छा चाहिए, परफॉर्मेंस डिसेंट हो, तो आपको यहाँ पे ये रोम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। और इसकी स्टेबिलिटी काफी अच्छी है भाई, रोम के अंदर ना कोई मेजर मेरे को बग वगैरह देखने के लिए नहीं मिले, मैं इसको एज ए डेली ड्राइवर यूज कर रहा हूँ। बट गेमिंग के परस्पेक्टिव से 90 FPS आपको मिल जाता है, बट अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर लॉन्ग आवर्स तक गेमिंग करोगे ना, इसमें आपको वो मजा नहीं आएगा भाई जो आपको हार्डकोर गेमिंग के लिए चाहिए। तो यहां पे ना आपको थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स मिल जाएंगे बीच बीच में, जो चीज मैंने नोटिस की है। और FPS यहां पे इसलिए नहीं शो कर पा रहा क्योंकि यहां पे जो कर्नल SU है उसका सपोर्ट नहीं मिलता, और जो FPS मीटर मैं यहां पे यूज करता हूं वो फ्रेंको कर्नल मैनेजर से आपको मिलता है, एंड वो बिना रूट के भाई वर्क नहीं करता। सो आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हो कि आपको इस रोम के अंदर कुछ और मॉडिफिकेशन करके, जैसे कस्टम कर्नल वगैरह टेस्ट करके वीडियो चाहिए या फिर नहीं, वो आप मेरे को कमेंट करके बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।